Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक न्यू हॉरर गेम, The Lost Fear. ये गेम मुझे ऐसे ही रेंडमली इंटरनेट पे मिली है और इस गेम के बारे में मुझे लिटरली कुछ भी नहीं मालूम. मुझे नहीं पता कि इस गेम में कोई भूत है या फिर कोई ऐसे इविल मॉन्स्टर है. बस मुझे इतना मालूम है कि ये गेम बाकी हॉरर गेम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी. तो लेट्स गो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं गेम में. इज दिस रियल? इट कैन बी. आई थॉट आई वोक अप बट दिस इज इन माय रूम. तो हमें शायद से कोई सपना आया है और उस सपने से जब हम सो के उठे हैं तो वो हमारा कमरा, हमारा घर नहीं है. ऑल राइट गाइज, वेलकम टू द लॉस्ट फियर. गेम की शुरुआत ही काफी अजीब हुई है कि हम लोग अपने घर में सोए थे और जागे हैं तो वो किसी और का घर है. और वैसे किसी और का घर भी नहीं, बस एक बंद कमरा है. मतलब कैसा होगा कि तुम अपने कमरे में सो रहे हो और जब उठे हो तो कोई और रूम है. लेट्स गो. सामने एक दरवाजा है. ये जगह पूरी बंद है और रूफ टॉप पे एक ट्यूबलाइट लटक रही है. मुझे नहीं पता, मुझे अभी बस एक दरवाजा दिख रहा है, मैं इसे खोलने वाला हूँ. मुझे सबर नहीं हो रहा, कैसे खुलेगा दरवाजा? ओके भाई वेट, मैंने दरवाजा तो ओपन कर दिया पर इस पूरे घर में बहुत ज्यादा अंधेरा है. पर अच्छी बात तो है कि मैं किसी घर में हूँ, मैं किसी बंकर वगैरह में नहीं हूँ. यहाँ पर राइट साइड में यार कितना ज्यादा अंधेरा है घर में. कोई ट्यूबलाइट वगैरह, कोई लैंप वगैरह कुछ भी नहीं है क्या? मुझे ऐसा लगा कि आवाज आई बट मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं है. और एक सेकंड, मैं यहीं से तो गया था ना. नहीं नहीं, उधर एक ही दरवाजा था. अभी मैं समझा नहीं, मैं ऐसे यहाँ से गया. ओ वेट, कहीं ये लूप तो नहीं है? बहुत सारी हॉरर गेम्स में ऐसा होता है, मतलब बहुत सारी नहीं, कुछ कुछ हॉरर गेम्स में ऐसा होता है कि लूप रहते हैं. मैं हूँ कहाँ पे भाई? सच में समझ नहीं आ रहा है. मैं एक लूप में फंस गया हूँ. मैं जैसे दरवाजे से जाता हूँ मैं उसी जगह पर वापस आ जाता हूँ. बट फिर अभी करना क्या है? मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ, अभी यहाँ से राइट मुड़ूंगा, फिर से एक दरवाजा आएगा, मैं फिर से उसी में फंस जाऊंगा. क्या चल रहा है भाई ये? मुझे कुछ करना है क्या? ओ नहीं, मैं लूप से निकला. मैं अभी किसी दूसरी जगह पे आऊँ. बहुत तेज हार्ट बीट का साउंड आ रहा है, मुझे क्यों आ रहा है कुछ नहीं मालूम. कोई है क्या? ओ वेट, मैं वापस से लूप में जाने वाला हूँ. हार्ट बीट बहुत तेज आ रही है भाई. अगर तुम ये गेम स्पीकर पे, वीडियो स्पीकर पे देख रहे हो या फिर तुम्हारा वॉल्यूम अच्छा खासा बड़ा हुआ तो तुम्हें फील हो रहा होगा. भाई ये वेस्ट टूट गया, कुछ तो है भाई यहाँ पे. डू यू नो द पर्सन बिहाइंड यू? मेरे पीछे कौन है? कोई भी तो नहीं है, पागल बना रहे भाई? एक बार को ले तो बहुत गंदा डरा दिया था. मुझे लग रहा था मेरे पीछे कोई ना कोई है. अभी कहाँ जाऊंगा? सामने दीवार है, इधर रास्ता बंद है, जाना तो है किधर? अरे भाई साहब, अरे भाई 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 भाई, अनइंस्टॉल कैसे करूं इस गेम को मैं? अरे भाई साहब, मैं ठीक है, मैं अभी कहीं तो आ गया हूँ. मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ आया हूँ, बट हाँ कुछ तो बहुत अजीब सी पिंक कलर की चीज मेरे मुंह पे उड़ती हुई आई और वो बहुत गंदी थी दिखने में. मैं देख नहीं पाया उसका फेस वेस, बट जो भी वो बहुत गंदा था. और अभी मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ और कब आया, कैसे आया नहीं मालूम. मेरा स्क्रीन से सारा ध्यान अटक गया था उसको देखते ही. ठीक है, पता नहीं अभी कहाँ जाना है. मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ, बट हाँ ये कोई बहुत भूल भुलैया सी जगह है यार. मेरे को पहले स्ट्रेट जाना चाहिए, पहले राइट चल के देखते हैं. वैसे तो ये जगह बंद नहीं है, लेफ्ट में कुछ तो है. ओके, ये यहाँ पे बंद है क्या यार? ये कैसे एंडलेस रास्ते हैं, मैं खो जाऊंगा. ये कुछ है क्या? कोई इसे मैं घुमा सकता हूँ क्या? हो रहा है इससे? ओके, मैंने इसे घुमा दिया बट मुझे पता नहीं इससे हुआ क्या है. चलो कोई बात नहीं, यहाँ से वापस चलते हैं. पता नहीं मैंने क्या करा है पर हाँ शायद से उससे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. मैं यहाँ से लेफ्ट, मतलब यहाँ से राइट मुड़ा था तो अभी मैं यहाँ से. वेट, सामने भाई क्या है ये? ओ भाई मैं नहीं खेल रहा यार ये गेम. एक तो ना हॉरर गेम तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए जब तुम्हारे घर में सब लोग सो रहे हो. यार प्लीज थोड़ी देर मत डराओ, मुझे समझ लेने दो मैं हूँ कहाँ पे. वो अच्छा ये देखो रास्ते खुल रहे हैं इससे. तो ये जो जगह है वो तीन बार में लॉक था, इसको घुमाने से ये ओपन हो रहा है. तो ये ठीक है, तो एक यहाँ से ओपन हुआ. मिड वाला जो लॉक था वो मैंने पहले, पीछे वाला मैंने कर दिया है, अब एक बचा है बस. तो जिसके लिए मुझे स्ट्रेट जाना है. मैं राइट गया था, एक पीछे वाला भी कर दिया, अभी मुझे स्ट्रेट जाना है. और मुझे पक्का पता है वो मेरे को फिर से डराने वाला है. मैं लेकिन प्रिपेयर्ड हूँ इस बारी, मैं ज्यादा नहीं डरने वाला. प्लीज मेरे को छेड़ मत, मैं चुपचाप कर लेता हूँ, चुपचाप. यस 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 यस, हो गया बस. ओके, बहुत ज्यादा चांसेस है अभी वो मेरे सामने मुझे डराने आएगा. मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं नहीं डरने वाला. ले जो करना कर ले. ओके, निकल लेते हैं भाई, अभी तक तो नहीं आया. पीछे से आके ना अटैक कर दे मेरे ऊपर. ठीक है, मैं निकल गया यहाँ से सिंपल. इधर कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है. राइट में ओ धड़कन तेज हुई बट तब तक मेरे माइंड को पता चल गया कि ये कुछ हो रहा है. ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा खड़ा हुआ एक बार को. बट मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ कुछ नहीं मालूम. बहुत अंधेरा है, बस मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ. यार इससे बढ़िया तो वो लूप था जहाँ पे मैं फंसा हुआ था. जब ओए वो ऊपर है. अच्छी भाई, कोई तो अजीब सा मॉन्स्टर जैसा यार वो. मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ. बढ़िया, मैं इतनी तेज चिल्ला रहा हूँ, मेरे घर पे कोई ना कोई मुझे आके मारेगा. कोई सामने से देख रहा है क्या? वो ये क्या है भाई? चेयर हटाओ. चेयर किसने लगा दी बीच में? अरे ये मेरे पास आ रहा है, धीरे धीरे मुझे दिख गया वो कौन है. नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए यहाँ से. मैं फटाफट भाई पीछे निकल लेता हूँ. भाई 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 खतरनाक है. चुपचाप यहाँ से भागता हूँ मैं, चुपचाप. यार मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं इससे डरूं ना. बार बार एक ही चीज अचानक से मेरे सामने आती है और उतना ही डर लगता है हर बार जितना लग रहा है. वैसे यहाँ से वापस ही जाना है ना, मैं यहीं से तो आया था. दरवाजा बंद हो गया, अभी स्ट्रेट चलते हैं.
यहाँ पे आगे चल के दो रस्ते हैं, क्या लेफ्ट है क्या राइट, पक्का वो यहाँ पे है, पक्का यहाँ पे उज्जवल, डरना नहीं है, राइट देख पहले, ओके नहीं है कोई, ठीक है कोई भी नहीं है। वो यार उस टाइम पे आता है जब मैं अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं रखता हूँ। भाई क्लॉक का साउंड क्यों आ रहा है, जो घड़ी का टिक टिक होता है उसका साउंड आ रहा है। अरे भाई घंटे खड़े हो रहे हैं भाई इस गेम में तो फुल। ठीक है इधर कुछ भी नहीं है, वैसे घड़ी की आवाज सुनने आया था क्या मैं यहाँ पे, वापस चलना है अभी मुझे, बहुत अजीब है भाई सब कुछ इस गेम में, बहुत ज्यादा अजीब है। एक है रास्ता लेफ्ट में, वो यहाँ पे होगा पक्का, वो नहीं है, इधर कुछ पजल है। यहाँ पे लिखा है बर्ड्स फ्लाई नॉर्थ इन समर, ईस्ट इन स्प्रिंग, वेस्ट इन फॉल एंड साउथ इन विंटर। मुझे क्या करना है फिर, ओके आई थिंक मैं इन प्लेट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ क्या, यस मुझे डायरेक्शंस बनानी है। तो फर्स्ट आएगा बर्ड्स फ्लाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो नॉर्थ होता है अप और लेफ्ट वाला होता है वेस्ट, तो सेकंड हमें करना है ईस्ट, तो ये हो गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट होगा ईस्ट का अपोजिट और ये होगा साउथ जो कि है डाउन। ओ भाई ये खुला, सीक्रेट रास्ता ओपन हो गया भाई यहाँ से तो। ठीक है इस गेम में पजल्स भी हैं जो कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इतना पता है भाई। सामने एक रास्ता इधर है, सामने कॉरिडोर है जो कि बहुत एंडलेस है और यहाँ पे वो आएगा, नहीं है कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, शांति का माहौल है फुल। यहाँ पे ड्रॉअर वगैरह से तो मैं नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा है इसके साथ, चुपचाप आगे चलते, ये पतला होते जा रहा है। ओह ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, ये बस पतला होते जा रहा है, इल्यूजन है। ओके मैं कहीं तो आया हूँ, किसी अच्छी जगह आया हूँ। हाँ अंधेरे से निकल के हम लोग लाइट्स में आ गए भाई फाइनली। अभी थोड़ी ऐसी वाइब आ रही है ना, रेड और व्हाइट कलर का पेंट कितना प्यारा लग रहा है। मैंने लेफ्ट वाले डोर को ओपन करने के लिए दबाया, राइट वाला डोर ओपन हुआ है और मुझे नहीं पता मैं कहां गया हूं ये अभी, बट जो भी है मुझे इतना मान के चलना है कोई भी जगह मेरे लिए सेफ नहीं है, हर जगह जंप स्केयर आ सकता है और सामने मुझे कुछ दिख रहा है, मैं जा रहा हूं उसके पास, मेरे ऊपर कूदेगा वो, मुझे अच्छे से मालूम है। क्या ये मुझे ढंग से क्लियर नहीं दिख रहा, वो मैं करूँ क्या, उसके पास जाऊँ क्या भाई, क्या है भाई तू, मैं नहीं जा पा रहा उसके पास भी, मैं जाऊँ तो जाऊंगा वापस जाऊंगा, पीछे से अटैक कर देगा भाई वो। एक तो यार इधर अंधेरा इतना ज्यादा है, मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं है। हाँ अभी एक बार वापस चल के ये वाला गेट खोलने का ट्राई करूँ, क्या पता खुल जाए, नहीं खुल रहा। मैं ना यार एक बार वापस से इस मॉन्स्टर के पास चलता हूँ, पता नहीं ये क्या है क्यों है, अजीब सी कोई लटकती हुई चीज नजर आ रही है बट समझ नहीं आ रहा कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स तो नहीं है। वेट यहाँ पे की है शायद से, ये वाला जो की है ये दूसरे वाले दरवाजे का ही है क्या, भाग के चलते हैं अभी फटाफट से, शायद मैं ये वाला दरवाजा ओपन कर सकता हूँ और पक्का इस दरवाजे में। ओ भाई अरे 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 बच गया बच गया, जिंदा हूँ भाई, नया दरवाजा ओपन। ओके भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है अभी ये नहीं मालूम, लेफ्ट मुड़ना है यहाँ से, प्यार से, कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम शांत प्यार से खेलो, मैं नहीं डरने वाला अभी, तीन चार बार डर गया हूँ। क्या इस गेम में ऐसा यार, भाई मैं ना तुम्हें सच बता रहा हूँ सच एकदम, हर हॉरर गेम में क्या होता है ना, तुम स्टार्टिंग में डरते हो, अगली बारी तुम थोड़ा कम डरते हो पर डरते हो और धीरे धीरे वो जो डर है ना वो उस बंदे से कम होता चले जाता है, हर हॉरर गेम में ऐसा होता है, पर इसे क्या है इस गेम में भाई, लिटरली उस बंदे से फट रही है कि वो कब आएगा और नहीं समझ आ रहा भाई, वो बहुत अजीब है जो भी दिखने में, पता नहीं कहां आ गया हूं वापस से, वो जब भी वो आता है ना पूरा सीन चेंज हो जाता है, और वो आएगा फिर आएगा यार, अभी तो बहुत डर लग रहा है कि वो ना आए, क्योंकि मुझे सामने जाना है, बस मुझे चुपचाप सामने जाना है। क्या यार वो मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, तो जो भी बंदा है ना यहाँ पर आ रहा है जितना आ रहा है आके डरा ले प्लीज, मेरे सपने में मत आइयो यार, वैसे ही चैन की नींद नहीं आ रही है, थोड़ा चैन से सोने दे भाई। मैं ये कहाँ आ गया, यहीं से तो भी गया वापस इधर आ गया, पर पिछली बार शायद से पेपर नहीं था ना। इज इट वियर्ड दैट आई लाइक द साउंड ऑफ स्क्रीमिंग, बहुत ज्यादा भाई, तू वापस करने वाला है क्या, भाग के चलूंगा भाई, ये क्या हो रहा है, मैं वापस एक लूप में फंस चुका हूँ और वो मुझे इस लूप में पहले परेशान करेगा फिर अचानक से आके मेरे ऊपर कूद जाएगा डराने के लिए, मुझे उसको कुछ नहीं आता भाई, बस वो बहुत शोर के साथ चिल्लाता हुआ आता है। अरे ये क्या हो रहा है, कटे हुए सर गिर रहे हैं ऊपर से, मैं भाग रहा हूँ, ये सब क्या है, भाग, मुझे पता है तू है, मुझे पता है तू कूदने वाला है मेरे ऊपर, भाग, ये पहले ही डर लग रहा है यार, अभी तो आया भी नहीं है वो, ये क्या है, आई शुड फाइंड समथिंग टू ब्रेक दिस प्लैंक्स, अरे पीछे भी चेयर था गायब हो गया, ओके अभी नहीं आ रहा वो, अभी अचानक से आएगा, अभी नहीं आएगा, कुछ आवाज आई भाई, कुछ तो आवाज आई, मुझे कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जिससे मैं उस दरवाजे के प्लैंक्स को तोड़ के दरवाजा खोल पाऊं, बट अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला और मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं जो आवाज आई है उससे रास्ता दरवाजा अपने आप खुल गया है, कोई दरवाजा ऑलरेडी खोल के चला गया और ये क्या जगह है, इधर तो कुछ है ही नहीं, अरे अरे मैं अपने आप क्यों नीचे जा रहा हूँ, ये क्या है, भाई यही है वो मॉन्स्टर डेमोगोर्गन सा, क्या ये हमें खा गया, I tried to wake up, पर फिर उसके बाद क्या हुआ, but now I'm one of them, मतलब हम लोग सपने में नहीं थे, क्या हुआ क्या है, soon you will be too, सुबह, that's it guys, आज की वाली वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, नहीं, नहीं रुको, okay.
अभी कर दूं एंड, लेट्स गो। आज के वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आया इस वीडियो में। पता नहीं, मेरे को तो मजा भी आया पर फटी ज्यादा है। मैं थोड़ा रुक के ही खेलूंगा कुछ इस टाइप के खतरनाक गेम, बट अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट्स में जाके, ये इसे कहते हैं एक्सट्रीमली हॉरर। एक एक जंप स्केयर से डरा हूं भाई मैं, पता नहीं क्यों। मैं कितनी देर तक चिल्लाऊं मुझे नहीं पता, मेरे को तो एक बार वो डर लग गया था नीचे से मम्मी आके मुझे ना मारे, मैं चिल्ला क्यों रहा हूं। बट हां, आई होप आप लोग को वीडियो में मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से आके वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाख लाइक के लिए, तो जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और तुम्हारा फेवरेट जंप स्केयर कौन सा था नीचे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना, जैसे जैसे टाइम टैग मेंशन करते ना वो कर देना। बाकी जो लोग भी चैनल पर न्यू है, नीचे एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे फटाफट से जाके दबा दो, क्योंकि अभी हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे दबा दोगे तो। बाकी आज की वाली वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।